उल्वेनोडेते श्री अय्यप्पा सेवा संघमच्या वतीने पहिल्या मंडळ महोत्सवाचं आयोजन शनिवारी करण्यात आलं होतं. या महोत्सवाला माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि भाजपचे उत्तरायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी भेट देत मनोभावे दर्शन घेतलं. या महोत्सवावेळी भाजपचे उल्वेनोड एक अध्यक्ष मदन पाटील, वाहळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अमर म्हात्रे, जिल्हा चिटणीस रमेश नायर, अय्यप्पा पूजा संघमचे अध्यक्ष सुनील पनीकर, तुलसीदास नंबुथिरी, विनोद नायर, हरिदास वासू यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. अभी मंडल का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत भक्ति से भाव से या भगवान का ध्यान अय्यप्पा का चल रहा था. आपका ये प्रार्थना सुनने के बाद हमको लगा कि यहाँ जाना चाहिए और इतना अच्छी तरह से भगवान का पूजा कर रहे हैं. एक बात में पक्का है कि भगवान के पास जाओ अच्छे काम के लिए, उसके पास दुआ मांगो, वो अच्छे काम के लिए जरूर दुआ देता है. और इसके लिए आमदार प्रशांत ठाकुर, आमदार महेश बालजी और उनके साथ साथ में मैं भी हूँ और यहाँ की हमारी पूरी उलवा भाजपा कमेटी जो है वो आपके साथ में है. जो भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमारे पास बोलो. आप सबसे पहले इस पूजा के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जब आप हम लोग सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं, इतने सारे लोग मिलकर इकट्ठा आते हैं तो हमारे जीवन से सारे जो क्लैमिटीज है, संकट है, वो निकल के जाएंगे. पिछला पूरे दो साल, लगभग दो साल हम लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है. एक बीमारी ख़त्म नहीं हुई, ऐसा लगने लगता है दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी वेव. अभी ओमिक्रॉन का वेव जो आया हुआ है वो डिसीज़ उतना हार्मफुल नहीं है पर उसका स्प्रेडिंग बहुत इजी है और इसकी वजह से हमको इसके लिए भी केयर करना पड़ेगा. कल ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शाम को आपको कर्फ्यू लगा दिया है ताकि ये जो क्रिसमस वेकेशन है आज से जो शुरू होता है, ये क्रिसमस वेकेशन की वजह से इसका स्प्रेड जल्दी ना हो जाए. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, लगभग दूसरा साल है कि इन्होंने स्कूल नहीं देखा हुआ. तो ऐसे में जब स्कूल नहीं होता है तो स्कूल में जाने से जो टुगेदरनेस की जो भावना होती है, शेयरिंग की भावना होती है, ये भावना उनके मन से चली जाएगी तो अगले टाइम में वो स्कूल में जाने से ही कतराएंगे. तो अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे स्कूल में जाए तो हमको ये जो सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा. बहुत सारे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. पर उसी के साथ साथ कोई भी बीमारी हमको लगती है कि ऐसा बीमारी हो सकती है तो वो बीमारी हम तीन दिन चार दिन अगर वो फेस करेंगे और उसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट होगा कि आपके फैमिली में नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड होंगे और ये हम नहीं चाहते. इसके लिए आने वाले समय में हम लोग और ज़्यादा सावधानी से काम करें. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग सिफारिश कर रहे हैं कि अंडर 18 के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन होना चाहिए और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोअप कर रहा है. हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में कई सारे मेजर्स कोविड को यहाँ पर फाइट करने के लिए हम लोग देख रहे हो रहे हैं.